हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन फेवरू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे सब बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश और हमेशा रहिए, मैं तो यही प्रे करती हूँ। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए कौन से मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा। सो आज मैं दो मॉइस्चराइजर लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वालों को तो पता ही होता है उनकी स्किन पर कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करने वाला है, बट ऑयली स्किन वाले कई बार बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जिस वजह से वो आला बला यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं मैम हमारी स्किन पर तो इतना ऑयल आ रहा है, दीदी हमारी स्किन तो यहाँ धच्ची होनी हुई है। तो यार करेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज़ करते हो आप लोग, तभी तो फिर इतनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को। सो इसी वजह से आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बट उससे पहले आपको करना होगा मुझे सब्सक्राइब, जो ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार आप, एंड फिर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। जब आपने सब्सक्राइब कर ही दिया तो चलिए। ना तो पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऑयली स्किन है तो उसको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजर का काम क्या होता है? आपकी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर करना, आपकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको शांत करना, ताकि आपकी स्किन पर जो है वो इची ना हो, आपकी स्किन पर कोई परेशानी ना हो। देखिए ये जो हवा होगी ना, ये जो ड्राई करने वाली है, हवा चलने वाली है ना, क्योंकि मैं जैसे काफ़ी वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ विंटर्स आ रही हैं, समर्स जा रही हैं, तो ये बीच का टाइम जो होता है ना ये बहुत ही बकवास होता है हमारी स्किन के लिए, ख़ास तौर से फेस की स्किन के लिए। ये धज्जी उड़ा देता है हमारी स्किन की, तो इस टाइम पर मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करते इस डर से कि भाई हमारे चेहरे पर तो ऑयल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नहीं, आप करेक्ट मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रहे हो। मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन वालों को भी यूज़ करना चाहिए, ड्राई वालों को तो नहीं तो मस्ट है, उनको तो करना ही चाहिए, एंड कॉम्बिनेशन वालों को भी करना चाहिए। हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइज़र ज़रूर 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 से यूज़ करना चाहिए। एंड मैंने यहाँ फेस वॉश की भी अभी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी स्किन वालों को कौन सा फेस वॉश ज़्यादा बढ़िया सूट करेगा, तो उसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखेगा, मैं इस वीडियो क्लास में अटैच कर दूँगी ज़रूर से। तो चलिए अब मैं आपको दोनों मॉइस्चराइज़र से मिलवाती हूँ। सो आज मेरे पास यहाँ दो मॉइस्चराइज़र हैं, एक है मेरे पास यहाँ पॉन्ड्स का और एक है मेरे पास यहाँ द फेस शॉप का। तो ये टोनर प्लस मॉइस्चराइज़र है, एंड ये वाला जो है बजट फ्रेंडली है एंड ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैंने दोनों साइड्स रखी हैं। आप अगर एक्सपेंसिव ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, वरना ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है। मतलब मेरी खुद ऑयली स्किन है और मैं इतना परेशान रहती थी पहले कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ क्या करूँ, मैंने इतने सारे मंगाए। फिर उसके बाद मैंने क्या ट्रिक लगाई कि मैं इनके छोटे छोटे से बॉक्स, मतलब छोटे छोटे से भी आते हैं, मैंने वो यूज़ किया हर ब्रांड के जिस जिसके मुझे पॉसिबल हो सके। मैंने कोई सूट करे कोई सूट करे कोई सूट नहीं करके दे रहा था, क्योंकि मैं सारे क्रीमी बेस लगा रही थी अपने फेस पे, क्योंकि मुझे ये लगता था यही मॉइस्चराइज़र होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आज भी ये लगता होगा, 40% लोगों को यही लगता होगा कि क्रीम वाले ही मॉइस्चराइज़र होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने इसके बारे में सोचा, पढ़ा एंड मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला ऑयली स्किन वालों के लिए अलग से मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है। तो जैसे मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और मेरा फेवरेट भी है, मतलब 3 साल से जैसे जब से मुझे पता चला है मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, वो है ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी अच्छा है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन एंड प्लस विटामिन ई, बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है। अब मैंने इसका ये बड़ा पैक मंगा लिया है, सबसे पहले मैंने इसका छोटा पैक ही यूज़ किया था, एंड ये इसका प्राइस है 299 जो है 147 ग्राम्स, एंड ये आराम से मेरे तो 1.5 मंथ चल जाता है, बहुत आराम से डेली यूज़ में भी, एंड बड़ा वाला पैक। और अब मैं इसको बात करती हूँ तो मैं आपको इसका मैजिक दिखाती हूँ अंदर से, ये देखिएगा, मतलब इसका मैजिक यही है, इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया और फ्रेश है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसका यही वाली चीज़ सबसे बढ़िया है कि ये जो होता है ना ये जेल बेस होता है, ठीक है ना, ये जेल बेस होता है, तो ये आपकी स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है,
कोई स्टिकी पिस्टिकी नहीं होता है। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिया था ये, पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। मेकअप से पहले भी मैं इसको लगाती हूँ, कभी मुझे कोई भी पसीने की इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती है इससे, काफ़ी ज़्यादा ऑयल मेरे फेस पे नहीं आता है, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया मॉइस्चराइजर लगता है। आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको तो मैं दूँगी 10/10। सो इसकी रेटिंग करेंगे तो मैं तो उसको 10/10 दूंगी। और यहाँ तक कि अगर मुझसे कोई मेरा रिलेटिव, मेरा फ्रेंड कोई पूछता है कि ऑयली स्किन के लिए प्लीज़ कोई मॉइस्चराइजर बता दो फायजा, तो मैं उसको फर्स्ट टाइप करती हूँ कड़क कड़क पॉन्ड्स का जाके ले लो जेल मॉइस्चराइजर। यस, इस जेल मॉइस्चराइजर, आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है तो आपकी स्किन को कभी भी ऑयली नहीं करेंगे। अब सेकेंड बारी आती है, थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाएँ तो वो है द फेस शॉप का यहाँ पे मॉइस्चराइजर। तो ये प्लस टोनर भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आता है एंड इसका प्राइस जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड आई थिंक 799 समथिंग का ये मुझे पड़ा था। एक्सपेंसिव तो है बट काफ़ी अच्छी, या शायद ही 1499 में, मुझे याद नहीं, मैं यहाँ दे दूंगी आपको। एंड ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये सिरप विरप है, कोई दवाई ववाई, बट नहीं, इसकी पैकेजिंग है काफ़ी क्लासी पैकेजिंग में, क्योंकि कोरियन ब्रांड है, कोरियन ब्रांड्स अपने स्किन केयर की पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव और इतनी कूल देती है ना, वल्ला बहुत ही बढ़िया। वो आपकी ना इस तरीके से सामान में रखी हुई ना, इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको इतना ख़त्म भी कर लिया है, क्योंकि मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे मेकअप करना होता है, वरना तो डेली में मैं उसी को यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, सो ये देखिए, ओह ज़्यादा आ गया। सो ये देखिए, ये हल्का सा क्रीमी में भी है और हल्का सा ये जेल में भी है, जेल आपको शायद इतना पता ना चले, एंड ये आप देख सकते हो जेल भी है, और ये ना आपकी स्किन पर ऐसे पानी की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस हल्के से रब कर रही हूँ एंड दैट्स इट। कोई चिप चिप नहीं, कुछ नहीं, और ये इस मतलब ये तो हवा हो जाती, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, मैंने अपने यहाँ मॉइस्चराइजर लगाया था एंड सेम मतलब इसका काम वैसे तो सेम ही है, बट ये जो है वो मेकअप से पहले अगर लगा लो तो काफ़ी एक हल्की लिया रखता है अपनी एंड अमेजिंग सा लुक निकल कर आता है फिर हमारे मेकअप का। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड कोरिया का है, कोरिया के स्किन केयर की तो बात ही क्या है। सो इसको भी रेटिंग दूंगी तो अगर मैं तो 10/10, मतलब दोनों कॉम्पिटिशन में, दोनों मेरे मस्ट फेवरेट हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचा आज वीडियो ही दे देते हैं इसकी, और दिवाली का भी टाइम है तो अच्छा स्किन केयर होगा तभी अच्छा मेकअप होगा, अच्छा मेकअप होगा अच्छी फोटो आएंगे तो सो आप ये एंड ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और ये हमेशा ही मेरे पर्स में रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। मेकअप से पहले ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ एंड नॉर्मल डेज में ये यूज़ करती हूँ, कभी कभी मेकअप से पहले मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों ही अच्छे हैं, आप उनको ज़रूर से बाय कर सकते हो, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूँगी। सो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।